नमस्कार दोस्तों, AKV टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो एडेप्टर है, ये हमारे हार्ड डिस्क का एडेप्टर है दोस्तों। जो हार्ड ड्राइव होता है कंप्यूटर का, उसी का एडेप्टर है। और इसका जो एक पिन है दोस्तों, देख सकते हैं पिन जो है, ये देखिए एक तरफ है और एक तरफ टूट गया है। तो इसका रेट भी अधिक है दोस्तों, कम से कम 300 से 400 रुपया से कम में नहीं मिलेगा ये। और ये टूट गया तो हमारा जो सर हार्ड डिस्क है वो काम भी नहीं कर रहा है। मैं दूसरा एडेप्टर लगा के भी देखा तो सही से काम नहीं कर रहा है। और इसे हम किस तरह से आज रिपेयर करेंगे दोस्तों, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये टूटने की वजह से हम क्या करेंगे, ये जो निकला हुआ जो पॉइंट है दोस्तों, इसे पूरा आरी ब्लेड से इस तरह से कट करके निकाल देंगे। क्योंकि इसका तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टूट गया है तो टूटने की वजह से ये बेकार ऐसे ही लटका हुआ रहेगा। तो यहाँ से कट करके हम इसे निकाल देंगे इस तरह से। देखिए ये कट के अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हमने इसे कट करके निकाल दिया। कट करके निकालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसे यहाँ से खोलेंगे, ठीक है ना। खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर से आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। ये फेवी क्विक से चिपका हुआ रहता है दोस्तों, थोड़ा सा एरिया तो टूटेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये देखिए, हमारा सर्किट यहाँ से अलग हो चुका है। और सर्किट में जहाँ पे पिन लगा हुआ था दोस्तों, उस पिन के जगह पे हम लोग एक वायर लगाएंगे। जैसे देखिए, ये दोनों पिन है दोस्तों, यहाँ पे ही हमारा पावर सेक्शन मतलब पावर का वायर लगा हुआ था, पावर का पिन लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए एक फ्यूज है, ठीक है ना। इसी फ्यूज से हमारा एक वायर निकलेगा दोस्तों। एक वायर यानी कि जो फ्यूज का लास्ट वायर है, वहाँ से हमारा एक पावर निकलेगा और एक इस तरफ से निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम पावर केबल को लगाते हैं। देखिए हमने एक पावर केबल लिया है, इसमें देखिए दो वायर है और इसमें हमने 2 पिन प्लग भी लगा लिया है। इस 2 पिन प्लग को हम वहाँ पे जिस पॉइंट पे ये टूटा है दोस्तों, वहाँ पे लगाएंगे। और इसे देखिए, इसका ढक्कन में एक हमें होल भी करना होगा, क्योंकि ये वायर को हमें बाहर निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, वायर को हम यहाँ पे देखिए होल करके इसमें हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद इस दोनों वायर को सर्किट में हम लोग सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए एक वायर हमें यहाँ पे जोड़ना है दोस्तों, इस तरह से। और इसे जोड़ कर देखिए, यहाँ पर हमें सोल्डिंग करना है इस तरह से। सोल्डिंग आपको अच्छी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर हमने इसे सोल्डिंग कर दिया दोस्तों। और सोल्डिंग करने के बाद देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा सर्किट हमारा कटा हुआ है, तो वहाँ पे वायर को हम अच्छी तरह से फंसा देंगे, ताकि वायर हमारा निकले नहीं। तो उसी तरह से दूसरे तरफ भी हमें इस तरह से सोल्डिंग कर देना है। और सोल्डिंग होने के बाद वहाँ पे जो सर्किट कटा हुआ है दोस्तों, वहाँ पर हमें इसे इस तरह से फंसा देना है। आपका सर्किट अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कटा हुआ था इसलिए हमने इसमें फंसा दिया, ताकि ये वायर जो है निकले नहीं। अब हम इसे इस तरह से, जैसे खोला था उसी तरह से, इस तरह से लगा देंगे। और इसका जो ढक्कन है दोस्तों, इसे भी अच्छी तरह से हम यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद हम आपको बताएंगे इसे किस तरह से फिर से चिपकाना है। वायर देखिए हमारा थोड़ा सा वहाँ पे मुड़ गया है, तो वायर को हम थोड़ा सा सीधा करेंगे दोस्तों, क्योंकि वो उसका जो होल है थोड़ा सा छोटा है, इसलिए निकलेगा नहीं। अब देखिए ये सीधा हो गया है, वायर भी हमारा देखिए आराम से निकल गया। अब इसे हम इस तरह से बैठा देंगे। बैठाने के बाद दोस्तों, हम इसे चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है फेवी क्विक, ठीक है। फेवी क्विक को हम क्या करेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा देंगे। पहले भी ये फेवी क्विक से ही चिपका हुआ रहता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा जब खोलते हैं इसे तो थोड़ा सा कहीं कहीं टूट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कॉर्नर के ऊपर में हमें फेविक्विक को डालना है और थोड़ा सा पकड़ के रखना है। इस तरह से पकड़ के रखिएगा तो क्या होगा कि ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। चलिए एक तरफ हमारा लग रहा चिपक गया दोस्तों। अब हम दूसरी तरफ भी उसी तरह से करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखिए कॉर्नर कॉर्नर पर डालना है थोड़ा थोड़ा ग्लू इस तरह से, और इसे पकड़ के रखना है। थोड़ा देर पकड़ के रखेंगे तो ये अपने आप बहुत अच्छी तरह से जाम हो जाएगा। और हमारा जो यहाँ पे कटा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम
सेलो टेप से इस तरह से पैक कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि हमारा जो वहाँ पे होल है वो बंद हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो एडेप्टर है सही से काम करने के लिए रेडी हो चुका है। इस तरह से अपने ख़राब एडेप्टर को आप भी आराम से आसानी से जुगाड़बाजी के साथ बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।